नालागढ़ के तहत जोगो चौकी के अंतर्गत पिता पुत्र पर तेज धार हथियारों से जानलेवा हमला। पीड़ितों ने दो युवकों पर लगाया नशे में धुत होकर तेज धार हथियारों के साथ जानलेवा हमले का आरोप। हमले में पिता पुत्र हुए गंभीर रूप से घायल। गांव के ही कुछ लोगों ने बीच बचाव कर दोनों को छुड़वाया। दोनों पीड़ितों का नालागढ़ के सिविल अस्पताल में करवाया जा रहा इलाज। मेरा नाम दिलाराम है जी, मैं गांव के लिए खोबले का रहने वाला है, तो मेरी जगन पंचायत पड़ती है जी। तो मैंने कच्चे लकड़ का काम करता हूँ, वो काम करता हूँ पोले खाला दूसरी पंचायत में, खाला पंचायत पड़ती है जी। तो फिर जो मेरे पास लेबर थी इनकी मैंने पेमेंट की, कल पेमेंट करने के बाद तो इन्होंने बोले हमने मटन खाना, तो मैंने इनके लिए मटन मंगवा दिया। फिर उन्होंने मटन बनाना अभी दारू अपनी लेके आए, मैं कहा दारू का पैसा मैं कोई नहीं दूंगा अभी आपको। तो फिर उसके बाद इन्होंने मीट मूट बना, जब दो दो पैक लगा लिए फिर झगड़ा शुरू कर दिया। एक का नाम दारा था, एक का नाम क्या नाम बोलता काकू था, एक का नाम अपने मनोहर था, वो छुड़ाने पड़ा था बीच में जी। फिर एक का नाम करमू था जी, एक का नाम तरसीम था जी, एक दिलाराम था जी, एक मनोज कुमार, इतने बंदे थे हम उस टाइम। फिर इन्होंने झगड़ा शुरू कर दिया ना जी, फिर नहीं छुड़वाया, तीन बंदे छुड़वाने वाले थे इनको, मारो मार किए इन्होंने कुल्हाड़े से। फिर एक बार मैंने कुल्हाड़ा फेंक दिया खेतों को, वहाँ से उठवा के ले आए जी जाके। फिर उसके बाद इनको मैं बोले यार झगड़ा क्यों करे, तो फिर मेरे को पड़ गए, फिर मेरा लड़का पड़ गया छुड़वाने के लिए, लड़के सिर में गुहाड़ा मार दिया इन्होंने, वो लड़का गिर गया लड़का मेरा नीचे गिर गया। फिर मैंने राड़ा मारी जोर जोर से, गाँव वाले को बोला भाई मेरे तो लड़का ख़त्म कर दिया, ऐसी ऐसी बात होगी। फिर गाँव वाले आए, इसका फादर आया जो बैठा है यहाँ, इसने मेरे को बड़े डंडे से पीटा इसने आके, और मेरे को जान छुड़वानी मुश्किल होगी। मैं लड़का तो ख़त्म कर दिया इन्होंने, तो मेरी भी जान ख़त्म कर दी इन्होंने। मैं वहाँ से खेत से छलांग मारे दूसरे खेत को, हमारे बिक्र होती है, तो मैंने वहाँ से बाकी जान बचाई। फिर मैं साइड को आया जी, फिर इन्होंने जो मेरे पास 1,05,000 रुपया था जो मैंने लेबर को दी, मैंने लख लिखा जो पेमेंट की, बाकी पैसे का कोई पता नहीं है। इन्होंने क्या क्या किया, सामान मेरा सारा तोड़ दिया, 25,000 का कटर लिया जी, दो दिन चलाया वो भी इन्होंने तोड़ दिया जी। इनका खतरा जब यहीं इतना बड़े हॉस्पिटल में बात कर रहे तो वहाँ पर क्या करी गई है ना जी। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट थी प्रशासन से भी, भाई इनको जल्दी जल्दी इनसे मतलब अच्छी कार्रवाई होनी चाहिए, मेरी पेमेंट मिलनी चाहिए, मेरा सामान भी वैसा मिलना चाहिए, बाकी इनके साथ अच्छे बर्ताव होने चाहिए, जैसे मेरे साथ किया ऐसा इनके साथ होना चाहिए जी। मेरा कितने लोग थे, ये दो लोग थे जी, ज्यादा नहीं, मारने वाले कितने थे? कितने वो था एक अपने क्या बोलते इसको दारा सिंह, एक वो काकू, यही यही मारने वाले कितने लोग थे आप, और ज्यादा बंदे थे? वो छुड़वाने वाले थे बीच में जी, ये नहीं छूटे। जब इन्होंने जाति बराज कर दिया, वे इन्हें चमारों को हमने काट कर रख देना, वे इन्होंने सलाइन गंद डाला हमारे यहाँ काम कर रहे, ये बेड कट रहे, वे ये ठेकेदारी इनको हमने खत्म कर देने नहीं ठेकेदारी इधर से। मैंने तो लोगों से माल पैसा लेके लिया, मुक्त कर लिए नहीं सर किसी से नहीं, है ना। तो मेरे को बोलते भी ऐसे ऐसे काम करता रहे, मेरे इनको खतरा, बाकी ये प्रशासन से है ना, बाकी प्रशासन से मेरी ये दो बंदे ने मेरे को अभी हॉस्पिटल में देखो धमकियाँ मार रहे आके, इनको अच्छी कार्रवाई होनी चाहिए जल्दी जल्दी। धन्यवाद जी।